नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ लगातार पहाड़ी जो कि एसटी स्टेटस की मांग कर रहे थे, इस समय आप देख रहे हैं हमारे पीछे आज जम्मू एंड कश्मीर गुजर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और प्रेस नोट में ऊपर साफ तौर पर लिखा गया कि पहाड़ी डोंट डिजर्व एसटी स्टेटस। आइए जाने का इनसे प्रयास करेंगे आखिर उस लाइन का मतलब क्या है। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। बताइए आज प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता के नोट में लिखा गया है कि पहाड़ी डोंट डिजर्व एसटी स्टेटस, क्या मतलब है सर? देखिए एसटी स्टेटस के अलग ट्रेड्स हैं, इससे पहले भी वेरियस कमीशन्स बनी हैं, उन कमीशन्स के अंदर ये ऑलरेडी जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट थी 1998 से लेकर 2002 का, इनकी तब भी डिमांड उठी थी, तब इट वॉज रिजेक्टेड क्योंकि जो पहाड़ी स्टेटस डिक्लेयर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट प्रोविजंस हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होनी चाहिए, आदमी बैकवर्ड होना, सोशली बैकवर्ड होना चाहिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना चाहिए, उन डिमांड्स के अंदर 1991 को जब ये जो कंडीशंस देख के हमारे गद्दी सीपी और गुजर बकरवाल को शेड्यूल ट्राइब दिया गया। अब पिछले जब से शेड्यूल ट्राइब हमें दिया गया है तो हमारी कंडीशंस कुछ अच्छी हुई है, हमारे बच्चे कुछ पढ़ लिख गए हैं, हमारे बच्चे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में आईपीएस में आईएएस में आए हैं, तो उससे पहले हमारी कंडीशन बहुत खर्चा थी, हार्डली यू विल फाइंड एनीबॉडी इन द स्टेट गवर्नमेंट आर सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद ये लोग आए हैं। अब ये देखिए कि सम पीपल जो सो कॉल्ड कुछ एरियाज के लोग हैं ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, दे वांट टू डिल्यूट दिस शेड्यूल ट्राइब स्टेटस ऑफ द गुजर एंड बकरवाल। अब हम इनके खिलाफ नहीं हैं, हम ये बोलते हैं भाई ये लोग जो हैं जो ऑलरेडी जो पहाड़ी बोलते हैं कि हमें एसटी दिया जाए, अब अगर देखा जाए तो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की रिजर्वेशन इनको मिल रही है, रिजर्व फॉर बैकवर्ड एरिया आरबीए की रिजर्वेशन इनको मिल रही है, अदर सोशल कास्ट की रिजर्वेशन इनको मिल रही है, फिर 4% रिजर्वेशन पिछले मेरे ख्याल में 2 या 4 साल पहले वो भी एक पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को दी गई है, अदर वीकर सेक्शंस उनके अंदर भी रिजर्वेशन इनकी है, दे आर ऑलरेडी इंजॉइंग 39% रिजर्वेशन। जब इनको 39% रिजर्वेशन मिल रही है, वी डोंट से दे आर अवर एनिमी, दे आर अवर ब्रदर्स, बट हमारे साथ ये इनजस्टिस क्यों? अगर उनको आप ये चीज़ें ऑलरेडी दे दें, वाई दे वांट शेड्यूल ट्राइब स्टेटस? अगर ये शेड्यूल ट्राइब स्टेटस तो फिर डिल्यूट हो जाएगा ना जो हमें मिला हुआ है। अगर यही बात होगी कल को अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लोग हैं, जैसे आपका भद्रवाह हो गया, आपका डोडा हो गया, आपका रियासी हो गया, आपका रामबन हो गया, आपका बनी बसोली का इलाका हो गया, आप कश्मीर के कुछ पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हो गए, देन एंटायर स्टेट विल क्लेम दिस, इट विल बी अनदर क्राइसिस इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट में पीस रहे, बड़ी मुश्किल से 1989-90 से लेके अब तक यहाँ के हालात कैसे रहे, हालात कुछ ठीक हुए हैं तो हम इस चीज़ के ऊपर हम ये चाहते हैं कि यहाँ के हालात आपस में पीसफुल रहें, अच्छे रहें, ये नहीं हुए कि आज एक एरिया को आप दे देंगे सो कॉल्ड जो पुंछ एंड राजौरी डिस्ट्रिक्ट को, कल को दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी ये क्लेम करेंगे, सो विच इज़ नॉट गुड। हाँ अगर आप देते हैं तो इनको जिस कैटेगरीज के अंदर जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं उनके अंदर ये फॉल करते हैं तो तब इनको मिलेगा ना, वो उसके अंदर तो फॉल करते ही नहीं है। अगर आप पुरानी हिस्ट्री खोल के देखेंगे, चाहे हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है विच इज़ इलीगली अकोर्ड बाई द पाकिस्तान, एंड हमारा जो कश्मीर जम्मू कश्मीर का इलाका है पुंछ राजौरी या उड़ी करनाल का इलाका है, अब भी ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं ये अपने नाम के आगे राजा लिखते हैं महाराजा लिखते हैं, वहाँ भी इनकी रूलिंग क्लासेस हैं, और यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर भी अब तक 1947 से लेकर अब तक जितने भी कैबिनेट रहे इनके मिनिस्टर्स रहे सब कुछ रहा, या हाईली जो प्लेसेस ये ऑक्यूपाई कर रहे थे, तो हम ये हमारी जो प्रेजेंट सरकार है हम उनको ये अवगत करवाना चाहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब एंड ऑनरेबल अदर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स एंड अवर कैबिनेट, वी रिस्पेक्ट यू, वी पे यू ड्यू रिगार्ड्स, लेकिन इसके साथ ही हमारे जज्बात, हमारे जो ट्राइबल गुजर एंड बकरवाल जो नेशनलिस्टिक हैं इनके जज्बात को किल मत कीजिए, ये थोड़े बहुत पिछले 5-10 साल से इनकी जो कंडीशन सुधरी है इनको मत ये ख़राब करिए, अब भी इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, अब भी देखिए यहाँ नदी नाले मिलेंगे आपको गुजर बकरवाल बैठे हुए मिलते हैं, अब थोड़े से लोग या 2 या 4% लोग अगर एजुकेशनली अपलिफ्ट हुए हैं तो इनको ये बर्दाश्त नहीं होता, तो अगर ये दिया गया तो हमारा तो एकदम हमारा तो दे विल किल अस, ये हमारी जो सोसाइटी के अंदर जो हम सोशली और इकोनॉमिकली और हमारे ज्योग्राफिकली बैकवर्ड थे थोड़े थोड़े स्ट्रीम लाइन पे हैं तो फिर हमें ये फेंक देंगे उसमें से, तो हम इसलिए इसको हम रिजेक्ट करते हैं, हम ये गवर्नमेंट को अवगत करते हैं, प्लीज़ ये गलत होगा, ये आपको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं ये गलत चीज़ है, ये ऐसी होनी चाहिए। शुक्रिया। कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही थी, ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन से पहले पहाड़ीज को एसटी स्टेटस मिल जाएगा। नहीं,
देखिए ये लोग आके मिसगाइड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। हमें जो स्टेटस मिला है एसटी का, ये ऑल इंडिया बेस सर्वे पर मिला है। बाकायदा हमारी कास्ट एक ट्राइब है जो डिजर्व करती है आइन के अंदर, और ऑलरेडी हमारे गुजर जो भाई ऑल इंडिया लेवल पर रहते हैं उनको ऑलरेडी स्टेटस एसटी का मिला हुआ था, उसी बेस पर हमें मिला है। ये जो ये लोग अब क्लेम कर रहे हैं सो काल ट्राइब बना के, सो काल पहाड़ी बना के, लैंग्वेज का सहारा लेके, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आइनी तौर पर इसकी कोई जवाजियत नहीं है। उनको मिलता है तो आपको नुकसान क्या है? हमें नुकसान है, हमारा जो 10% रिजर्वेशन है 39% ऑलरेडी वो ले रहे हैं। अब 10% हमारी जो है वो भी उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है हमारे बच्चों पर, हमारी कम्युनिटी पर, हमारे लोगों पर पड़ेगा। लिहाजा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये वाजा कर देना चाहते हैं कि इनके कहने पर, इनके झूठे प्रोपगंडे पर कोई ऐसा एक्शन ना लिया जाए। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के थ्रो एक सर्वे करवाए जम्मू कश्मीर में कि ये लोग 1141 से लेकर आज दिन तक बरसरे इकदार रहे हैं, गवर्नमेंट इनकी रही है, राजे महाराजे रहे हैं, और जितने लैंड लॉर्ड, जितने जम्मू कश्मीर में लैंड लॉर्ड हैं सब इन लोगों के हैं। हमारे जो लोग थे ये तो इनके नौकर रहे हैं, ये तो टिलर रहे हैं, और इनको आज वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कल तक ये हमारे नौकर थे, हम इनको अपने सामने नहीं बैठने देते थे, और आज ये अगर पढ़ लिख के थोड़े आगे आ गए तो वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लिहाजा हम बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये वाजा कर देना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा एक्शन ऐसा किया गया तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा कि जम्मू कश्मीर के सारे लोग जो हैं और हिंदुस्तान के 19 करोड़ गुज्जर जो हमारे हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, हर कम्युनिटी के हैं, वो सब लोग ये कहते हैं कि ये बिल्कुल गैर आइनी है और हम इसके खिलाफ इंडिया लेवल पर एजिटेशन करेंगे। आर्टिकल 17 सर क्या कहें, आज आप भी इनके समर्थन में आए हैं, क्या कहेंगे? जो ये देखिए ये एक बॉडी है ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा एक अंग है। अगर आज हमारा एक अंग को काटा जा रहा है, उसको डिग्रेड किया जा रहा है, तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं? जैसा आप कह रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब फ्रेम हुआ उस वक्त के कदरदान लोगों ने जो आज शहीद हुए हैं उन्होंने कोई वैल्यूएशन बनाया है, कोई तरीका बनाया है कि किसको SC ST OBC बनाया जाएगा? उसमें सबसे पहले तो लैंग्वेज बेस है ही नहीं। हम जम्मू की बात करते हैं, जम्मू जो है डोगरा कल्चर है, सभी लोग डोगरा बोलते हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट जिनको रिजर्वेशन मिला वो जो जितनी भी कम्युनिटी हैं, तो महाजन ब्राह्मण और बनिया को क्यों शेड्यूल्ड कास्ट क्यों नहीं दिया गया? अगर पहाड़ी कहता है मेरी जवान जो है गुजरी है, तो महाजन ब्राह्मण बनिया के भी जवान चाहिए, तो शेड्यूल्ड कास्ट को कैसे किया गया? अब दूसरा है कि सोशली आप बैकवर्डनेस हैं तो उनको दिया जाता है। अब पहाड़ी जो अपने साथ राजा वजीर बादशाह रखते हैं, जब जितनी भी सरकारें जम्मू कश्मीर की आई हैं, ये सब लोग वहाँ पर मिनिस्टर बने हैं, तो ये बैकवर्ड कैसे हो गए भाई? तो ये सरासर मिसगाइड हो रहा है और ये देख नहीं रहे हैं, ये हजम नहीं कर रहे हैं जो प्रोग्रेस देश के अंदर गुजरों ने जम्मू कश्मीर में खासकर की है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा हो रहा है। मैं अटैक करूंगा भारतीय सरकार पर कि भारतीय सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश मत करे। 4 रिजर्वेशन देश के अंदर हैं, SC ST OBC एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यू इंक्लूड दम पहाड़ियों को इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, और जितने भी आपने ये खेल कर रहे हो आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, SC ST OBC के साथ, इसको बंद कीजिए। महराना हो या रैना हो, कोई भी हो, प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह से यह निवेदन करना चाहता हूं, थ्रेटनिंग भी करना चाहता हूं, हम पीछे नहीं हटने वाले। आप संविधान को बदलोगे, जिसने भी कोशिश की है संविधान को बदलने की वो अगली बार बदल गया है, लिहाजा आप तैयारी कीजिए, जा जस्टिस प्रवेल कीजिए, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है टोटो इंप्लीमेंट कीजिए, और इस तरह की बातें बंद कीजिए। 16 अक्टूबर को देश की 3rd नेशनल कन्वेंशन जम्मू के अंदर होगी, गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में, जितने भी देश के सोच वाले लोग हैं सब जम्मू कश्मीर में आएंगे, और भारत में पूरा ये प्रोपोगंडा किया जाएगा कि ये सरकार जम्मू कश्मीर में 370 और 35A को खत्म करके ट्राइबल के, शेड्यूल्ड कास्ट के और अदर बैकवर्ड क्लासेस के जितने भी हक हैं उसे मार रही है। ये आंदोलन चलेगा,
जबरदस्त चलेगा। सरकार को वार्निंग है, इस तरह की बातें बंद करें, विराम करें, अमित शाह डिक्लेयर करें। जो मिसगाइड यहां किया जा रहा है, प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि अमित शाह ने ये ऐसा कहा है, अमित शाह से मेरा निवेदन है, अमित शाह जी आप डिक्लेयर करें कि आपने ऐसा कोई प्रपोजल इनके साथ नहीं किया है। हुक्म करें, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या लगता है इस पर भी राजनीति खेली जा रही? बिल्कुल राजनीति है। जैसे 370 और 35 ए को उड़ाकर इन्होंने देश के अंदर प्रोपेगेंडा किया है, ऐसा ही ये जो अच्छी जो एडवांस कम्युनिटी हैं उनको रिजर्वेशन के अंदर डाल के जो बेचारे गरीब लोग हैं SC ST OBC उनके अधिकार जो हैं खत्म कर रहे हैं। लोग तैयारी कर रहे हैं, लोग तैयार हैं SC ST OBC के, वो ऐसी बातें अब नहीं चाहेंगे, अपने अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं पूरे के पूरे लागू करवाएंगे। धन्यवाद। साफ तौर पर आपने देखा क्या कहना है इनका, कि ये कहना है कि लगातार जो पहाड़ी मांग करें हमें ST स्टेटस दिया जाए, ऑलरेडी वो 39 रिजर्वेशन जो 39% है उन्हें मिल रहा है। इनका ये कहना है कि अगर सरकार की तरफ से कोई इस तरह का फैसला लिया गया तो 19 करोड़ जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं वो एक जन आंदोलन छेड़ेंगे, क्योंकि लगातार आपने देखा का कहा जा रहा था, जिस तरह से एक तरफ कल की बात करें क्षत्रिय सभा ने कहा कि रिजर्वेशन खत्म कर देनी चाहिए, उसी के चलते जहां पर गुज्जर बकरवालों को ST स्टेटस मिला वही पहाड़ी हम मांग कर रहे थे कि हमें भी ST स्टेटस दिया जाए, पर उसी के चलते आज यहां पर इनकी एक ऑल जम्मू एंड कश्मीर हम आपको बताना चाहेंगे बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी के, जहां पर इनके बीच में आर के कलसोत्रा भी बैठे हुए थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की कोई भी अगर भारत सरकार की तरफ से चेंजेस लाई गई या हमारे अधिकारों पर हनन हुआ गया तो एक जन आंदोलन उमड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।